लो जी, हम पहुंच चुके हैं मेले में और ये मेले का मेन गेट है, मतलब स्टार्टिंग एरिया है। तो यहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए जो भी सामान होता है वो बिक रहा था और पुलिस काफ़ी थी इधर, बहुत सिक्योरिटी थी। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये बहुत भीड़ हो रही थी तो हम कह रहे थे अपने अपने सामान का ध्यान रखना, क्योंकि पता नहीं चोरी वोरी कब हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं था, उधर फुल सिक्योरिटी थी। उसके बाद ये सरिता मेरे साथ जा रही थी तो वो बहुत हंस रही थी, पता नहीं किसी बात पे हम बात कर रहे थे। और वो पूजा दीदी भी आई थी, तो हम तीन फैमिली आए थे। और ये है मेले के अंदर, तो हम अंदर आ चुके हैं और हमने देखा तो इधर तो मसाला वसाले की दुकान ही लगी हुई थी, इधर ऑर्गेनिक मसाला जो बनाते थे ना आदिवासी लोग, वही मसाला बेच रहा था। तो ये मसाले की दुकान लगी हुई है, इसमें हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर और बहुत कुछ बिक रहा था जो ऑर्गेनिक था, तो वही सब लोग अपना बेच रहे थे। हम लोगों ने उधर से कुछ नहीं लिया। और इधर बहुत प्यारे प्यारे से घर थे, जो पहले पहले के ज़माने में या पहले जब घर थे तो ऐसे टाइप के थे, तो वो दिखा रहे थे अपना। तो ये देख लीजिए, इधर वो मंदिर वंदिर था और ये घर है, चारपाई और ये झोंपड़ी के अंदर चारपाई है, ये पूजा करने के लिए है। और उनका जो सामान होता है वो टंगा हुआ था। इधर केले का पत्ता, केला का पेड़ लगा हुआ है, बाकी इधर ये फूल वूल लगे हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छे से बनाया गया था, ये लकड़ी से बनाया गया था। और इस मेले का सारा जो खर्चा हुआ वो सरकार ने दिया, उड़ीसा सरकार ने। तो उसके बाद बहुत भीड़ रखी थी, तो ये सामने से लोग वहाँ उठा के कैप्चर किया। और ये है कुआं जो पानी पहले लोग इससे भरते थे, और ये मंदिर था उनका। और इधर एक कुछ घर का सुंदर था, ये पानी पीने का घड़ा टंगा हुआ था चिड़िया के लिए, चिड़िया और एनिमल्स के लिए। बाकी ये पेड़ पेड़ लगे थे और इधर एक फोन था तो अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी देख लीजिए, आइए और आपको दिखाते हैं कैसा है। और ये जो है ना, ये गहना है वो पहनते थे पहले लोग, ये लोहा का था, पूरा लोहा और पीतल का बना हुआ था। तो इनको लोग अपने हाथों में और पैर में गले में पहनते थे, तो इनकी ये एक तरह से इनका एक ज्वेलरी थी। उसके बाद ये झोंपड़ी बनी हुई है, ये घास फूस की झोंपड़ी ऊपर से बनाई हुई है, और एक काफ़ी अच्छे से पेंटिंग किया हुआ था। और ये टमाटर वमाटर, और ये एक पहाड़ टाइप की थी। और ये घर देख लीजिए कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और इधर धनिया पत्ता लगा था, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे पहले सब्जी लगाते थे यहाँ के लोग। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको उतना बताया है, और बाकी तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे है, बाकी आप लोग खुद देख लीजिए। और ये देख लीजिए, ये है मतलब यहाँ उड़ीसा में घर के दरवाजे के सामने पेंटिंग करते हैं, ऐसे कढ़ाई वढ़ाई रंगोली टाइप का छापते हैं, तभी वो पूजा वूजा करते हैं। तो ये उनका लक्ष्मी माता के पैर वैर ऐसे छापते हैं बोल रहे थे यहाँ के लोग, तो वही इन्होंने अच्छे से पेंटिंग कर रखा है। और ये खेत के बीच में मंदिर भी बना रखा है, देख लीजिए ये
ये स्नेक वगैरह सांप वगैरह होते हैं उनका घर वर है, और बाकी इधर ये मुर्गी पालन होता है ना, तो उस टाइप से उन्होंने दिखाया गया है। ये देख लीजिए, इसमें बकरी है, मुर्गी थी, और इधर एक पता नहीं क्या था, ये इनके भगवान थे कोई, यहाँ पर दीपक भी जला रखा था उन्होंने। और ये सब्जी वब्जी, इधर आम के पेड़ और नारियल के पेड़ खूब ज़्यादा दिखते हैं, तो वो ही था, और ये उनके भगवान थे। और ये पता नहीं क्या, इसके अंदर भी मंदिर टाइप का था। ये सूप, इधर सूप और कुछ तलवार वगैरह होती है, उनकी पूजा करते हैं ये लोग, तो ये सूप रखा हुआ था। बाकी ये झोपड़ी थी, तो देख लीजिए कितनी भीड़ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से कहते हैं बताइए। और एक केला, इधर उड़ीसा में काफ़ी सारे केला होते हैं, मुझे सबसे बहुत खाते केले ये देखिए। और ये तो ये झोंपड़ी टाइप का, ये पता नहीं क्या था, और अच्छा दिख रहा था। और इधर भी एक घर बनाया हुआ था, इसके अंदर चूल्हा था जिसपे खाना वाना बनाते थे, वो मिट्टी के घड़े में, और ये चकिया रखा था, चकिया आटा पीसने के लिए, और फूल लगे हुए थे, घड़ा भी था, उधर कुआं भी है, और ये पता नहीं क्या था, उधर गाय वाय बंधी हुई है, मेरे को तो समझ में नहीं आया, उतना ही आपका आया जितना बताया मैंने। और इसके अंदर भी काफ़ी पेंटिंग वेंटिंग कर रखी थी उन्होंने, ये केला वेला, इधर केले से केले के पत्ते पर पूजा वूजा करते हैं लोग बाग। और इधर था कुछ ऐसा ही था, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी आपको आगे ले चलते हैं, आगे डांस वांस और बहुत कुछ दिखाएंगे, तो आप देखते रहिए ब्लॉग में। और इधर ये दुकान लगी हुई थी, तो यहाँ पर बैग मिल रहे थे, और ये बैग काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, तो ये जो जगन्नाथ भगवान है ना, जगन्नाथपुरी, तो उनका ही उन्हीं पे उनका जो पेंटिंग की रखी थी, तो उस टाइप के बैग मिल रहे थे। और ये लकड़ी का बनाया हुआ था, ये खजूर का बनता है, ये ढाला टाइप का, तो वो भी बनाया हुआ रखा। और ये देख लीजिए, बैग भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे इधर। और यहाँ दो बच्चे थे बेचारे, वो रो रहे थे पता नहीं क्यों मैंने उनको कैप्चर कर लिया। बाकी आगे की तरफ आपको दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं। उधर पुलिस सिक्योरिटी बहुत थी, इसमें इतनी पुलिस थी ना कि कोई घटना घटने की चांस ही नहीं है। और बाकी आ गए हमें, और ये आ गए हम डांस एरिया में, तो यहाँ पर डांस हो रहा था, जो उड़ीसा का फेमस नाच होता है वही चल रहा था यहाँ पर, दलखाई नामा। और ये संबलपुरी डांस होता है, लोगों को खुश करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी हुई थी, और यहाँ पर देख रहे थे लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी अच्छे से फैसिलिटी भी रखी थी, चेयर वेयर सारा था। और ये झाड़ू लेके डांस वांस करते हैं, तो वही दिखा रहे थे अपना प्रदर्शन, आप लोग भी देख लीजिए। और यहाँ पे मैं श्रियांश और श्रियांश के पापा काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, श्रियांश भी देख रहा था, चीज़ों को कैप्चर कर रहा था अच्छे से, तो उसको भी मज़ा आ रहा था।
उसके बाद हम आ गए, 10 दुकान लगी हुई थी। तो ये हाथी घोड़ा और ये आदिवासी प्रजाति थी उनका ही सब बिक रहा था, तो हम लोग देख रहे थे। और ये उड़ीसा के लोग ले भी रहे थे, हम लोग तो इतना नहीं जानते। और इधर ये लकड़ी का बनाया हुआ था जो सब लोग ले रहे थे काफ़ी, इसमें खाना वाना रखते हैं पता नहीं, अच्छा था काफ़ी। और इधर मतलब उनका ज्वेलरी होता है ना पहनने वाला, जो हाथों में कड़े बड़े एकदम बड़े बड़े कड़े लगते हैं, ये देख लीजिए, नाक में तीन तीन बाली करके पता नहीं क्या क्या, उनका गले में बड़ा बड़ा सांकर टाइप का पहनते हैं, आप लोग भी देखो। और ये उनके कपड़े थे जो पहनते हैं लोग यहाँ के उड़ीसा के, ये कॉटन का पहनते हैं एकदम प्योर कॉटन का, जो साड़ी वाड़ी और ये कुर्ता वर्ता जो भी है। इधर बर्तन रखे हुए हैं जिसमें खाना वाना पकाते हैं वो लोग, मिट्टी के बड़े बड़े घड़े होते हैं ना, उसमें चिकन विकन पकाते हैं। यहाँ के लोग अधिकतर नॉन वेज ही होते हैं, बाकी 5% वेजिटेरियन नहीं। उधर फ्लावर्स वगैरह को डेकोरेशन करने के लिए लकड़ी का ये पॉट वॉट बनाए गए थे, तो अच्छे लग रहे थे काफ़ी, हम लोग ने देखे थे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे तो उधर आपको दिखाते हैं जो क्या है उधर। और यहाँ पे ये था वही डेकोरेशन का चीज़ था, और यहाँ पे ये मूर्तियाँ वगैरह थी जो लोग खुद बनाते थे। बाकी सीरियल के पापा और ये भैया लोग पता नहीं किधर चले गए, तो हम लोग दोनों एंजॉय कर रहे थे मेला को। और ये भी दुकान लगी हुई थी, यहाँ पे भी डेकोरेशन का सामान मिल रहा था, ये भी मछली और ये पता नहीं किस प्रकार का ही था, अच्छा था उनका जो आदिवासी कल्चर टाइप का ही सारा डेकोरेशन का सामान मिल रहा था, तो अच्छा था, हम लोगों ने देखा था। उधर पेंटिंग वेंटिंग फ्लावर्स पॉट वगैरह ये भी था सब, तस्वीर वगैरह पेंटिंग वेंटिंग जो भी है। और बाकी इधर पुलिस वाले तो उनका वीडियो बना लिया, तो वो बस
दर एलईडी लगी थी तो ये लोग दिखा रहे थे कि आदिवासी कल्चर कैसा था। और इधर एक पेड़ था, उस पर अच्छे से लाइट वाइटिंग का से डेकोरेट कर रखा था तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने आपको दिखाया था, कैप्चर कर लिया था, तो देखो तो कितना सुंदर लग रहा था। और इधर भी झाड़ू वाड़ू की दुकान वुकान लगी हुई थी, झाड़ू बिक रहा था। इधर कपड़े वपड़े की शॉप थी और सब मिला, तो हमने अधिकतर घूम लिया। उसके बाद हम आ गए खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट था विनस इन करके, तो हम आ गए होटल में। और श्रेयांश एकदम फुल एंजॉय कर रहा था यहाँ पे, ये सरिता श्रेया थी। उसके बाद हमने खाना ऑर्डर कर दिया और यहाँ पर श्रेयांश देख लीजिए एकदम मस्त इंजॉय कर रहा है, तो हमने खाना वाना खिला के ये भी मस्त, देखो ना कितने अच्छे से हंस रहा था। तो मस्त खाना वाना खा के हम निकलेंगे घर। तो यहाँ पे मैं और श्रेयांश मस्त इंजॉय कर रहे थे और श्रेया भी खेल रही थी, इसके लिए मेले से बंदूक दिलवा दी थी। और ये नीचे का एरिया है, हम लोग थर्ड फ्लोर पर थे, तो बस चलते हैं घर की तरफ। और हम लोग जा रहे हैं नीचे, हमारी ओला आ गई नीचे खड़ी हुई है, तो बस निकलते हैं घर की तरफ। और ये नाइट थी तो रोड काफ़ी सुंदर दिख रही थी और ये ग्रीनरी काफ़ी अच्छा लग रहा, तो मैंने कैप्चर कर लिया। और इधर ना उड़ीसा के सीएम हैं जो उनका घर था, तो पुलिस सिक्योरिटी का एकदम टाइट थी बहुत ज़्यादा। और आते आते ना 10:30 बज गया था, तो बस यही था आज का दिन। अगर आपको आदिवासी मेला पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।